Let's learn and earn from your home. Learning with earning. एंड देन लैंग्वेज की बात आती है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें भी आपने चेक करनी है। अब एंड पे आप जब अपना आर्टिकल रिव्यू कर रहे हो, तो जब भी आप लिखते हो ना, तो उसी टाइम उसको चेक नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम उसी टाइम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी मिस्टेक्स नजर नहीं आती। तो अगर हम वही अच्छा ऐसा है कि आप उसी टाइम पढ़ोगे, आपको आपकी मिस्टेक्स नजर नहीं आएंगी। उसी टाइम आप किसी और बंदे से कहो ना, ये मुझे पढ़ के मिस्टेक्स बता दो, तो वो फौरन से बता देगा हाँ ये मिस्टेक्स तो आपको, वो मुझे तो नजर ही नहीं आई। तो इसलिए थोड़ा वेट करके, थोड़ा उस आर्टिकल में से वापस बाहर निकल के अपने माइंड को रिलैक्स करके, देन उसको चेक करने वाली ये जो आप करोगे, ये सारी चेक करने वाली चीजें जो है आपने एंड पे करनी है, एडिटिंग एंड ऑल। ठीक है, अब आपने जो चेक करनी है चीजें, उसमें ये है कि आप जो भी आपने सेंटेंसेज यूज किए हैं वो सिंपल है, इजी टू रीड है, मतलब कि कोई भी किसी भी एज का बंदा पढ़ेगा उसके लिए इजी है। क्योंकि जो आप समझ लो कि आप कहते हो कि भाई मैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करूंगा तो वो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं इजी टू रीड सेंटेंसेस को, उनके लिए वही अच्छे रहते हैं। आप कहीं भी कभी भी आर्टिकल लिखो तो वो ये कहेंगे कि भाई इजी सेंटेंसेस, हाँ ये है कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेंटेंसेस आपके वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है देन तीन लाइनों के बाद वो एंड हुआ है, इस तरह से नहीं करना। मतलब सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं आराम से अपने, बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कि भाई मुझे मेरी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूँ, तो इस चीज के लिए आपने बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। और ग्रामेटिकली ठीक होने चाहिए, ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। एक आप कोई भी टूल हो गया, मैं अगर आपको कोई टूल बताऊं, आप वो उससे चेक करोगे, लेकिन उसके अलावा आपको खुद भी चेक करना है। ये नहीं कि आप टोटल उसी पे रिलाई करो, नहीं मैं इसी से चेक करूंगा और मैं और कोई नहीं, खुद नहीं इसे चेक कर रहा, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। देन वोकैबुलरी का है कि आपने जो वर्ड यूज किया है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर एक वर्ड है आपने वहां पे लिखना है कि देखने के लिए, तो आपने एक जगह सी यूज कर लिया, तो आप वॉच करोगे, देन आप कहोगे कि मैं स्टेयर भी यूज करूँ, ग्लांस भी यूज करूँ, तो ये सारी चीजें आप एक ही उसमें सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। लाइक आपने इस तरह से करना है कि अब सेंटेंस के हिसाब से लिखोगे, जहां पे आपने स्टेयर यूज करना है ना, तो वहां पे आपने स्टेयर ही यूज करना है, वहां पे आप सी यूज नहीं कर सकते, हालांकि सबका मतलब देखना ही होगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, लेकिन आप प्रॉपर वर्ड यूज करते हो सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। एंड देन आपकी वोकैबुलरी लिखने के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होती है। देन स्पेलिंग और पंक्चुएशन आपने इस स्टेज पे आके चेक करनी है।